ये है आरजे मीडिया और आप देख रहे हैं न्यूज अभी अभी, खबर, तहकीकात, हकीकत। सहारनपुर श्री 1008 आदिनाथ जिन बिम पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के अंतिम दिवस में आज भगवान आदिनाथ मोक्ष कल्याणक की साक्षात दिव्य एवं अलौकिक क्रियाएं तीनों महामुनिराज के पावन सानिध्य में संपन्न की गई। इसके पूर्व प्रात की बेला में नृत्य महाभिषेक शांति धारा एवं पूजन की मांगलिक क्रियाएं प्रतिष्ठाचार्य बाल ब्रह्मचारी प्रदीप सुयश द्वारा पूर्ण कराई गयी। इस मांगलिक अवसर पर एक विशाल जन समुदाय को संबोधित करते हुए पूज्य श्री धवल सागर जी महाराज ने कहा कि आठों कर्मों की निर्जरा करके तीर्थंकर सिद्धशिला में विराजमान होकर अनंत अक्षय सुख में मग्न हो जाते हैं। भगवान आदिनाथ को कैलाश पर्वत से निर्वाण प्राप्ति एवं अग्नि कुमार देवों द्वारा अक्के शादी के विसर्जन की क्रियाएं बहुत ही वास्तविक रूप से एवं सजीवता से चित्रित की गई। तदुपरांत श्री जी की विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हुई जिसमें श्री जी 17 फीट स्वर्ण जनित रथ में विराजमान होकर जल मंदिर के रूप में नगर भ्रमण के लिए असंख्य भक्तों के साथ निकल पड़े। शोभा यात्रा में सभी प्रमुख इंद्र अपनी 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 इंद्राणी के साथ सुसज्जित बागियों, सौधर्मेंद्र, कुबेर एवं महायज्ञ नायक हाथियों पर सवार होकर धर्म प्रभावना करते हुए एक अभूतपूर्व दृश्य उत्पन्न कर रहे थे। तीन महामुनि राज शोभा यात्रा में स्वर्ण जनित के आगे आगे हजारों भक्तों के साथ चल रही थी। नगर का पूरा वातावरण दुमय हो गया था। श्री जी को भव्य नवनिर्मित श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर पैरामाउंट दिल्ली रोड पर विराजमान कर पूर्ण भक्ति के साथ पूजा अर्चना करके अभिषेक किया गया। श्री जी के रथ पर श्री जी को लेकर खवासी बनने का सौभाग्य इंद्रसेन परिवार को प्राप्त हुआ। श्री जी के रथ के कुशल संचालन का दायित्व समाज के अध्यक्ष राजेश जैन, राकेश जैन, मुख्य संयोजक महामंत्री संजीव जैन, उपाध्यक्ष विपिन जैन, मीडिया प्रभारी CINL जैन, विभिन्न टोलियों के चौधरी एवं पंचानन समिति के सदस्य क्रमशः निभा रहे थे। कार्यक्रम में जैन समाज के अध्यक्ष राजेश जैन ने महावीर कॉलोनी के प्रत्येक श्रावक की पंचकल्याणक महोत्सव में उनके बहुमूल्य योगदान की प्रशंसा की और विश्वास व्यक्त किया भविष्य में भी समाज के धार्मिक कार्यक्रमों में समाज एक सूत्र में बंध कर इसी प्रकार धर्म प्रभावना करते हुए अपनी विशुद्धि को बढ़ाकर पुण्य अर्जित करेगा। तीन महामुनि राज द्वारा पंचकल्याणक में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न सभी कार्यकर्ताओं, पात्रों एवं श्रावक को बहुत आशीर्वाद दिया गया। पंचकल्याणक संयोजक राकेश जैन ने सभी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा, सभी ने समर्पण भाव से सहयोग किया है तभी ऐतिहासिक पंचकल्याणक हुए हैं। इसके लिए वह सभी का आभार व्यक्त करते हैं। मांगलिक कार्यक्रम में संजीव जैन बब्बू, विपिन जैन, चौ संदीप जैन, प्रकाम जैन, संजीव जैन सराफ, देव जैन, अजय जैन, मुकेश जैन, अमित जैन, प्रवीण जैन, श्रेयांश जैन, अशोक जैन, मनीष जैन, नवीन जैन, प्रदीप जैन, मनोज जैन, संजय जैन, जयदीप जैन, संदीप फाइनेंसर, अल्पेश जैन, डॉक्टर JD जैन, वैभव जैन, गिरीश जैन, अमित बिनी, राजीव जैन, विजय जैन, अभिषेक जैन, दीपक जैन, सुरेंद्र जैन, विनय जैन, बिनी, अरुण जैन, राजीव चल्ली, देव भगत सहित हजारों की संख्या में स्त्री पुरुष बच्चे उपस्थित थे। हमारे शहर में जो पंचकल्याणक पैरामाउंट मंदिर का हुआ 27 तारीख से 2 तारीख तक, आज ये पंचकल्याणक का आखिरी दिन प्रभु रथ पर सवार होके पैरामाउंट मंदिर में मूर्ति स्थापना का कार्यक्रम होगा और इसी के साथ ये कार्यक्रम सम्मान होगा। मैं सभी नगरवासियों का हृदय से धन्यवाद दूं, क्योंकि सभी कार्यक्रम में सभी नगरवासियों का भरपूर सहयोग मिला। धन्यवाद वाला है और पूरे शहर में आज इतनी ज्यादा प्रभाव न हो रही है कि देखिए सारे श्रावक चल रहे हैं और इतनी ही भीड़ आगे जा चुकी है। पूरे सहारनपुर में बहुत ही बड़े यात्रा निकाली जा रही है। इस प्रोग्राम में ये पंचकल्याणक की प्रोग्राम
कम हो रहे हैं, लेकिन आज ये भव्य ज्यादा निकाली जा रही है। इसमें सीधा पैरामाउंट में जाकर के भव्य मूर्ति जो है समापन विराजमान होएगा और इन सब में हम सबको बहुत धर्म प्रभावना का मौका मिलेगा। पंच कल्याणक, आपका नाम? चांदनी जैन। मेरा नाम चांदनी जैन है। आप बताओ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पर पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है वीर सागर विशाल सागर जी के सानिध्य में, और ये पंच कल्याणक 27 से प्रारंभ हुआ था और हमें इसमें बहुत खुशी का अनुभव मिला है, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। इसमें हमें मिला है कि कैसे। मेरा नाम गीता जैन है और यहाँ पर महावीर कॉलोनी में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें पांचों कल्याणक का बहुत भव्य प्रदर्शन किया गया है और पाषाण से भगवान बनवाने का जो क्रम चलाया उसको देखकर सभी लोग यहाँ के आत्मविभोर हो गए हैं और शायद ऐसा ही अवसर किसी के जीवन में कभी कभी आएगा और हम इसको महसूस करके हमारे जीवन के लोग पुण्य का महसूस कर रहे हैं और धन्य भाग हमारे जो ऐसे पंच कल्याणक महोत्सव हमारी कॉलोनी में मनाए गए हैं और इसका मतलब हम लोग इसको आगे आने वाले कई वर्षों तक ध्यान में रखेंगे इसको। मेरा नाम प्रीति है, हम महावीर कॉलोनी में रहते हैं। बताओ क्या प्रोग्राम हो रहा है? ये पंच कल्याणक महोत्सव हो रहा है, इसमें हम पत्थर से भगवान बनाते हैं, इसमें जन्म तप ज्ञान निर्वाण पांचों कल्याणक होते हैं और उससे हम हमारे भगवान बनते हैं जन्म से लेकर। आज का दिन मोक्ष कल्याणक का है और ये आज हमारे भगवान वेदी में विराजित हो जाएंगे, आज से वो हमारे लिए पूजनीय हो गए। एक मिनट खड़े रहना, एक मिनट पीछे खड़े रहो। ये हमारे सहारनपुर नगरी में प्रथम बार विद्यासागर महाराज जी के त्रय मुनि राजो के सानिध्य में पंच कल्याणक सानंद संपन्न हुआ। इसमें भगवान जी को गर्भ से लेके जन्म तप ज्ञान निर्वाण तक आज मोक्ष कल्याणक मनाकर हमारे भगवान जी भगवान बन गए और वो पत्थर से भगवान बनकर मंदिर जी में स्थापित होकर हमारे लिए पूजने बन गए। हमारे शहर सहारनपुर में एक जैन मंदिर का नवनिर्माण हुआ जो पैरामाउंट कॉलोनी में है, बन रहा है। उसमें मूर्तियों की स्थापना के लिए जैसे सनातन धर्म में एक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होता है, उसी तरह हमारे जैन धर्म में एक पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन होता है, जिसमें प्रतिमा को पाषाण से प्रतिमा बनाने की क्रिया की जाती है। उसके लिए 27 तारीख से 2 तारीख तक ये आयोजन महावीर कॉलोनी में त्रयमुनि राजो के सानिध्य में हो रहा है, जिसमें जैन समाज की मुख्य कमेटी श्री दिगंबर जैन पंचांग समिति, इनके अध्यक्ष श्री राजेश जैन जी हैं और इस पंच कल्याणक कमेटी के मुख्य संयोजक राकेश जैन जी और मुख्य सलाहकार अमित जैन दादू जी के सानिध्य में सहयोग से इस कार्य को संपन्न किया जा रहा है। आज की शोभा यात्रा यहाँ से प्रारंभ होकर पैरामाउंट मंदिर जी पहुँचेगी, वहाँ पर प्रतिमा जी का वेदी में स्थापित की जाएगी, उसके बाद प्रतिमा जी का अभिषेक होगा। बताओ क्या प्रोग्राम है? ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है पैरामाउंट कॉलोनी का और महावीर कॉलोनी में इसकी सारी व्यवस्था की गई है। क्या प्रोग्राम हो रहा है? प्रोग्राम ये पंच कल्याणक हो रहा है, 5 दिन का प्रोग्राम है ये और महाराज श्री के सानिध्य में हो रहा है। आज इस पंच कल्याणक का यहाँ पर समापन है और पैरामाउंट में जो प्रतिमाएं हैं यहाँ से जाएंगी उसको वहाँ पर विराजमान कराया जाएगा त्रयमुनि राज के सानिध्य में। पाषाण से इसको भगवान बनाने की प्रक्रिया होती है पंच कल्याणक महोत्सव के थ्रू, 5 दिन का प्रोग्राम चलता है यहाँ पर।